This London Top video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में, 24/7. CoinSwitch Kuber डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो. सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल. ट्रेड कर बेफिकर. यूरोपियन फुटबॉल का सीजन खत्म हो चुका है. नहीं नहीं, गुस्सा मत होइए, पता है अभी चैंपियंस लीग का फाइनल बाकी है और पूरी तरह से सीजन तो उसके बाद ही खत्म होगा. लेकिन वहां बस मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी ही तो हैं, बाकी टीमों के लिए तो सीजन खत्म ही है ना. हाँ, तो सीजन खत्म है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज नहीं रुक रही. अब यूरोप से चलती आई दो बड़ी खबरों ने फुटबॉल प्रेमियों का जिगर थोड़ा हिला दिया है. सबसे पहली खबर आई स्पेन की राजधानी मैड्रिड से, जहां पता चला कि रियल मैड्रिड के मैनेजर जिनेदिन जिदान ने क्लब से अलग होने का फैसला किया है. इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी कर रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने यह बताया. रियल मैड्रिड CF यह अनाउंस करता है कि जिनेदिन जिदान ने हमारे हेड कोच के रूप में अपने मौजूदा कार्यकाल को खत्म करने का फैसला किया है. हमें उनके फैसले का सम्मान करते हुए प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन और पैशन के लिए उन्हें शुक्रिया कहना होगा. जिदान रियल मैड्रिड के महान प्रतीकों में से एक हैं. उनकी विरासत, हमारे क्लब में कोच और खिलाड़ी के रूप में उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया उससे आगे तक है. वे जानते हैं कि रियल मैड्रिड फैंस के दिलों में उनकी जगह है और रियल मैड्रिड हमेशा उनका घर रहेगा. रियल मैड्रिड के इस बयान के साथ ही लंबे समय से चली आ रही अटकलों पर भी विराम लग गया. बता दें कि यह रियल मैड्रिड में जिदान का दूसरा कार्यकाल था. रिपोर्ट्स हैं कि वे फ्रेंच नेशनल टीम के कोच बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने रियल मैड्रिड का साथ छोड़ा. इसके साथ ही खबरें ये भी थी कि रियल मैड्रिड मसिमिलियानो अलेग्री को अपना अगला मैनेजर बनाना चाहता है. लेकिन जिदान की विदाई की खबर आते आते ही एक बात साफ हो गई कि अलेग्री रियल मैड्रिड नहीं आएंगे. दरअसल उन्होंने अपने पूर्व क्लब यूवेंटस के साथ दोबारा जुड़ने का फैसला कर लिया है. दावा किया जा रहा है कि यूवेंटस अपने मौजूदा मैनेजर आंद्रिया पर्लो को बर्खास्त कर अलेग्री को वापस बुलाने की प्लानिंग कर रहा है. बता दें कि अलेग्री 2014 से 2019 तक यूवेंटस के मैनेजर थे. उन्होंने अपने कार्यकाल में इस क्लब को लगातार 5 बार इटालियन लीग जिताई थी. साथ ही वे इस क्लब के साथ 2 बार चैंपियंस लीग के फाइनल तक भी गए थे. यूवेंटस छोड़ने के बाद से वह किसी और क्लब से नहीं जुड़े हैं. लंबे वक्त तक रियल मैड्रिड से लिंक होने के बाद अब वह यूवेंटस से जुड़ रहे हैं. आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी सूरज ने. मेरा नाम है दिव्यांशी. शुक्रिया.